हमारे शरीर में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सब का एक ना एक खास काम है। आज बात करते हैं दांतों की, तो उनका काम है भोजन को अच्छे से चबाना और उसको पचने के लायक बनाना। लेकिन आजकल हम अपनी फूड हैबिट्स इतनी चेंज कर चुके हैं कि जो दांतों का असली काम था वो उनको हम देते ही नहीं हैं, यानी कि अपने दांतों से हम पूरा काम नहीं लेते हैं। आप सोचिए कि जब आप छोटे थे तब आप गन्ना चूसते थे, सेब बिना काटे खाते थे और हार्ड से हार्ड अमरूद को लेके खाया जाता था। इन सब से हमारे दांतों की एक्सरसाइज होती थी, साथ में गम्स भी मजबूत होते थे क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से वहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा होता था। तो बहुत ज़्यादा ओरल हाइजीन के लिए लोग अलर्ट नहीं थे, तो भी दांत नहीं टूटते थे, लोगों को डेंचर नहीं लगवाने पड़ते थे। लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं, ब्रेसेस लगवाने पड़ते हैं और उसके बाद बहुत जल्दी उनमें कैविटीज़ होती हैं और छोटे छोटे बच्चों की रूट कैनाल्स करानी पड़ती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों से बचाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो उनको आदत डालिए थोड़ी सी हार्ड चीज़ें खाने की, जिस तरीके से कि सेब बिना काटे खिलाएं बच्चों को, हार्ड अमरूद खिलाएं, गन्ना चूसने की आदत डालें जिससे दांत भी साफ़ होंगे, दांतों की एक्सरसाइज भी होगी और गन्ने का प्रॉपर प्योर जूस भी उनको मिलेगा। तो इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस को समझते हुए अपने दांतों का पूरा इस्तेमाल कीजिए और उनको लंबे समय तक सुंदर और स्वस्थ रखिए।